हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चका चक। दोस्तों, रेलवे हमारे देश की सिर्फ लाइफलाइन नहीं है, बल्कि रेलवे हमारे देश में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाली संस्था है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब रेलवे में ही है। यही वजह है कि युवाओं के बीच रेलवे में नौकरी को लेकर एक अलग ही क्रेज होता है। रेलवे में कई तरह की जॉब्स होती है, उसी में एक है स्टेशन मास्टर की नौकरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेलवे में स्टेशन मास्टर कैसे बने, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं स्टेशन मास्टर से जुड़े उन टॉपिक्स के बारे में जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। स्टेशन मास्टर कौन होते हैं, स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम कौन सा देना होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी होती है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अगर आप भी स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पॉइंट्स जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से जान लिया तो आपको इसकी तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले टॉपिक से करते हैं और जानते हैं स्टेशन मास्टर कौन होते हैं। दोस्तों, इंडिया में जितने भी रेलवे हैं उन सभी स्टेशनों पर एक स्टेशन मास्टर होते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो एक स्टेशन मास्टर एक रेलवे स्टेशन का इंचार्ज होता है, यानी कि उस रेलवे स्टेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी स्टेशन मास्टर की होती है। दोस्तों, स्टेशन मास्टर का पोस्ट बेहद जिम्मेदारी से भरा होता है, क्योंकि इस स्टेशन पर घटने वाली किसी भी घटना के लिए स्टेशन मास्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जानते हैं स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि स्टेशन मास्टर का ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितना बड़ा पोस्ट उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एक स्टेशन मास्टर का काम ट्रेनों के आवागमन का ध्यान रखना, ट्रेनों के प्लेटफॉर्म्स का डिसाइड करना, सामान ढुलाई पर निगरानी रखना, स्टेशन की स्वच्छता, स्टेशन की सुविधा का ध्यान रखना, अपने जूनियर अधिकारियों को काम बांटना और उनको गाइड करना एक स्टेशन मास्टर का काम होता है। दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक स्टेशन मास्टर का काम कितनी जिम्मेदारियों से भरी होती है। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, वैसे तो स्टेशन मास्टर बनने के लिए कई तरह की योग्यता की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक स्टेशन मास्टर बनने के लिए कैंडिडेट्स का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। वो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके और भी कई तरह की योग्यता की ज़रूरत होती है, जैसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, प्रेशर में काम करने की योग्यता होनी चाहिए और अपने जूनियर्स के साथ मिलकर काम करने का गुण भी होना चाहिए। अब जानते हैं एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें कि इसके लिए भी एक एज लिमिट तय की गई है, यानी कि उसी एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी वर्ग के हैं तो आपको नियम के अनुसार छूट भी मिलेगी। जैसे एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है और वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। अब जानते हैं स्टेशन मास्टर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। दोस्तों, अगर आप भी स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इसके लिए एग्ज़ाम कौन करवाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके लिए आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम आयोजित करवाता है, जिसे एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहा जाता है। रेलवे हर साल स्टेशन मास्टर की भर्ती का फॉर्म निकालता है, जिसे आप रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, स्टेशन मास्टर बनने के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न 3 तरह का होता है, जिसे पास करने के बाद ही स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर ज्वाइनिंग दी जाती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। और सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होती है, जिसे CBT-1 भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं CBT-1 में क्या होता है। CBT-1 में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसे क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट को 40% और ओबीसी एंड एससी को 30% और एसटी को 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है।
दोस्तों एक बात याद रखें कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड होता है, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। अब चलिए अपने दूसरे राउंड यानी कि सीबीटी 2 के बारे में जानते हैं। दोस्तों सीबीटी 2 मेंस एग्जाम होता है, इसमें वही कैंडिडेट्स बैठ पाते हैं जो प्री यानी कि सीबीटी 1 एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए 90 मिनट्स यानी कि डेढ़ घंटे का टाइम मिलता है। सीबीटी 2 भी ऑनलाइन एग्जाम होता है। दोस्तों सीबीटी 2 पास करने के बाद सीबीटी 3 एग्जाम होता है, जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी, पावर ऑफ एनालिसिस, जजमेंट पावर, लीडरशिप के गुण के बारे में जाना जाता है। दोस्तों सीबीटी 3 पास करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं सीबीटी 3 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कैसे सिलेक्शन होता है। सीबीटी 3 के बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, इसमें सीबीटी 2 के 70% और सीबीटी 3 के 30% मार्क्स जोड़े जाते हैं। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद ज्वाइनिंग करवा दी जाती है और ट्रेनिंग शुरू होती है। अब जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों स्टेशन मास्टर एग्जाम के लिए अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंसेस, इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो इसमें एनालॉजीज, कॉम्पलीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, जंबलिंग मैथमेटिक्स ऑपरेशन, वेन डायग्राम, डेटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स। मैथमेटिक्स की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन एंड रेडिएशन, लिस्ट कॉमन एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, रेगुलेटर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर सीरीज। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी होती है। दोस्तों स्टेशन मास्टर जितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरा पोस्ट है उतनी ही अच्छी सैलरी भी होती है। एक स्टेशन मास्टर को 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलती है, यानी कि एक स्टेशन मास्टर की सैलरी वैसे तो 38 से 42,000 के बीच होती है, लेकिन इसमें कई तरह के अलाउंस को जोड़ दें तो इनकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। तो अगर आप स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप सैलरी के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बस तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ साथ कई सारी सुविधा भी दी जाती है। इसके बाद जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके पुराने पेपर्स को सॉल्व करना और उसी के अनुसार तैयारी करना। इससे आपको ये अनुमान लग जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा कई और बुक्स आप पढ़ सकते हैं। आजकल मार्केट में स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी करने के लिए कई तरह के बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप उसकी मदद से तैयारी कर सकते हैं, साथ ही आप कोचिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।